देखिए, इस लॉकडाउन के लगने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि करगिल अब हिंदुस्तान के इस ज़मीन का टुकड़ा नहीं रहा है। जबकि मरकज से एक नोटिफिकेशन जारी होती है, 8 मई के बाद थोड़ी सी ढील दी जाती है ताकि अवामी मुश्किलात का अजाला हो। आज अचानक चंद केस के उभरने के बाद, सामने आने के बाद, कारगिल में कल जो है एक नोटिफिकेशन, माफ़ कीजिएगा, सोशल मीडिया पे एक चीज़ देखने को मिली कि 69 केसेस जो है पॉजिटिव का कारगिल से ही निकला है करके। ठीक है, जिस जगह से निकला है वहाँ पे थोड़ा सा एहतराम करे, वहाँ पे सख्तियाँ बरते, पूरे कारगिल पे नहीं, ताकि बाकी लोगों को इस पैनिक से जो है ना एक राहत मिले। यहाँ तो पूरे कारगिल में जैसे हर घर में ये केस सामने आया हो, उस तरह पूरे कारगिल को लॉकडाउन की गई है। देखिए, ना गाड़ी की मूवमेंट है, ना सोशल कोई ऐसा सर्विस जिससे लोगों को जो है ना एशिया खुर्दनी वगैरह का राहत मिले। तो मैं समझता हूँ ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह के नोटिफिकेशन के जारी करने से पहले 100 मरतबा सोचनी चाहिए थी, ताकि लोग कोरोना से ज़्यादा इस चीज़ को लेके, इस लॉकडाउन के रूल को लेके पैनिक ना हो जाए। आज आप देखिए पूरा कारगिल वीरान है। आपको याद होगा 99 में कारगिल वार हुई थी, दुश्मन देश ने गोला बरसाया इसी कारगिल के शहर पे। आपको पता है यहाँ से थोड़ी दूर जाके बाजार में गोला बरसा था, जहाँ पे कुछ लोगों की जाने भी गई। तब इतना सन्नाटा नहीं था जो सन्नाटा आज कारगिल के आवाम को लेके आपके टीवी के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को नज़र आ रहा है। लिहाजा शाम तक मैं ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करूँगा, आप अपने उस नोटिफिकेशन में जल्द से जल्द तरमीम करें और लोगों को लॉकडाउन के अंदर भी सहूलियत फराहम हो। जनाब, हमारे पास सब्जी और मेवाजात का काफ़ी मकदार में स्टॉक है। हमारा सब्जी यहाँ ख़राब और मेवाजात, सब्जियाँ और मेवाजात ख़राब हो रहा है, लिहाजा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर गुजारिश है कि हमें गांव में बेचने का परमिशन दे दें।